आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही फेमस और बहुत ही स्वादिष्ट बिहार में बनने वाली परवल की सब्जी, जिसके सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है परवल। परवल को दोनों साइड से जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे कट कर लेना है, और इसके ऊपर का जो ये हल्का हल्का सा, पूरा छिलका नहीं उतारना है, इसके ऊपर का ये जो पतली वाली स्किन है उसे हम किसी चाकू की या फांसुल की मदद से निकाल लेंगे। इससे परवल का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सारे का ऐसे ही कर लेना है। देखिए यहाँ पे सारे परवल का अच्छे से छील लिया है। अभी यहाँ मसालों में मैंने लिया है प्याज, अदरक, साबुत जीरा, साबुत धनिया और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा लाल मिर्च सूखे हुए और लहसुन। लहसुन को छील लिया है मैंने यहाँ पे। तो ये सारे सामग्री लेने हैं। कितना लेना है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने परवल को भी कट कर लिया है चार टुकड़े में, और इसमें थोड़ा सा प्याज निकाल लेना है। जैसे अगर आप चार प्याज कट किए हो तो एक प्याज निकाल लें, परवल में डाल लें कटा हुआ, और इसे अलग रखते हैं। बाकी के प्याज और जितने भी मसाले मैंने बताए थे खड़े वाले, जीरा, धनिया, सारा कुछ, लाल मिर्च सूखे हुए, लहसुन, प्याज, इन सभी को लेकर एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालें और इसे पतला पेस्ट बना लें। पानी बहुत कम डालकर पेस्ट बनाएं। तब तक एक कढ़ाही ले लें, कढ़ाही में डाल लें तेल। तो बिहार में ज़्यादातर सरसों तेल में ही बनाई जाती है सब्जी, तो तेल को थोड़ा गर्म होने दें, और सरसों तेल से जब धुआं आने लगे तो उसकी महक चली जाती है, तब उसमें हम डालेंगे फ़ौरन। फ़ौरन में मैंने डाला है एक छोटे चम्मच से जीरा, सा जीरा और लाल वाली मिर्च की फ़ौरन। फ़ौरन को थोड़ा पकाएं, और इसमें जो प्याज हमने अलग रख दिया था, एक कटा हुआ प्याज, उसको डाल दें। और अभी जो आपका फ्लेम है उसको लो पे ही रखें, और साथ ही साथ कटे हुए परवल को भी यहाँ पे डाल दें, और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर आता है सब्जी, और इसमें हम बाहर के मसालों का प्रयोग नहीं करेंगे, घर के ही मसालों में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसको 6 से 7 मिनट के लिए भूनना है। तो आप देख सकते हैं प्याज और परवल अच्छे से भुन गया है। तो इसे हम कढ़ाई से निकाल कर किसी बर्तन में डाल लेंगे। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ ये इतना ही भुनना है, और इसे ढककर बिल्कुल भी नहीं भुने, इसको ऐसे ही आप स्लो आंच पे भूनना है आपको 6 से 7 मिनट के लिए। तो आप कढ़ाई में हम डालेंगे फिर से तेल। तेल मैंने यहाँ पे सरसों तेल ही डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। वैसे बिहार में सरसों तेल में ही खाना अच्छा स्वादिष्ट बनता है। तेल को फिर से थोड़ा पका लेना है। तेल से जब धुआं आ जाए तो अभी जो सारे खड़े मसाले, प्याज, लहसुन हमने एक पिसा था यानी ग्राइंड किया था, उसको डालकर अभी कढ़ाई में मसाले को थोड़ा भुनना है, और भुनते टाइम नमक डाल देना है। स्वाद के अनुसार नमक आप डाल सकते हैं। और मसालों को हमें कढ़ाई में अच्छे से भूनना है। ये मेरे घर में बनाया जाता था इसी तरह से, दादी लोग बनाती थीं। और यहाँ पे डालना है हल्दी का पाउडर। तो जब जिस टाइम पे मैंने देखा था उस टाइम में हल्दी पाउडर तो नहीं, हल्दी पीसी हुई डाली जाती थी। आपके पास जो भी है वो डाल दें, मेरे पास पाउडर ही था तो मैं पाउडर ही डालती हूँ। और इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। फ्लेम को लो करना यानी आँच को लो करना बिल्कुल ना भूलें। अभी यहाँ पे डालना है लाल मिर्ची का पाउडर, और यहाँ पे डालना है धनिया का पत्ता, हरे धनिया का पत्ता, इससे स्वाद और भी अच्छा आएगा। मसाले को तब तक भूनना है जब तक इससे थोड़ा तेल आ जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अभी इसमें मैं डालूँगी हल्का फ्राई किया हुआ प्याज और परवल जो हमने अभी भुना था, और इनको अच्छी तरह से मिलाकर ढककर 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पर। बीच बीच में चेक करते रहें इसे, बीच बीच में इसे थोड़ा सा मिलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा, इसका ध्यान रखें। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इसको भूनते रहना है। तो अभी ये भुन गया है तो इसमें हम मिलाएंगे पानी। आपको अगर ग्रेवी वाली चाहिए यानी तरी वाली सब्ज़ी तो आप ज़्यादा पानी मिला सकते हैं, अगर आपको कम तरी वाली यानी कम ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो आप कम पानी भी मिला सकते हैं। यहाँ पर नमक आप अपने स्वाद अनुसार
डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है और ढककर फिर से 2-3 मिनट के लिए इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसमें उबाल आने लगा है और सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन सब्ज़ी स्वाद बहुत ही टेस्टी आया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल के साथ, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो बनाऊँ।